तो अभी तक हम सभी लोगों को पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मगर एलिमेंट्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज की डेट में हमारे साइंटिस्ट को 100 से भी ज़्यादा तरीके के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पता है। इनमें से कुछ हैं जो नेचुरली हमारे प्लैनेट पर हैं और कुछ हैं जो साइंटिस्ट ने खुद अपनी लैब्स में बनाए हैं, और साइंटिस्ट डे आफ्टर डे और नए नए एलिमेंट्स बनाते जा रहे हैं। मगर जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो हर एक के प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कैसे रखें? तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक ग्रुपिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, और उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उनको उठा करके एक ग्रुप में रख देते हैं। कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक ग्रुप से अलग है मगर आपस में सिमिलर है, उनका सेकंड ग्रुप बना देते हैं। तो अब अगर तो हम लोगों ने एक ग्रुप की प्रॉपर्टी याद कर ली, तो मतलब कि उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद कर ली और हमारी स्टडी इजी हो गई। तो ये एक्टिविटी थी सिंपल सी, जो हमारे साइंटिस्ट ने की थी लैब्स में। ये सिमिलर एक्टिविटी ही अब हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लासरूम में। अभी आप लोग देखेंगे कि आपके बोर्ड पे आपको कुछ डेटा गिवन है वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, जो हमारे साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया है। ये डेटा बेस्ड है ऑन हार्डनेस, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स कि अगर तो कोई सब्सटेंस हम बोलते हैं मैलेबल है, मतलब कि इजीली हम उसको थिन शीट की फॉर्म में बना सकते हैं या फिर एक फॉयल की फॉर्म में बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है एक एलिमेंट अगर डक्टाइल है, मतलब कि उसको हम लोग वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डेटा है और सोनोरिटी डेटा है। सोनोरिटी मतलब कि एक एलिमेंट सोनोरस तब कहा जाता है अगर तो जब हम उसको किसी और हार्ड सब्सटेंस से मारे तो वो एक आवाज़ प्रोड्यूस करे। और उसके बाद हमारे पास कुछ मेल्टिंग पॉइंट डेटा भी है। बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, थोड़ा टाइम लेकर के अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और इन सभी एलिमेंट्स का इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं। ये भी जानने की कोशिश करें कि आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो किस बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज पर बनाए हैं। तो आई होप आप लोगों की एक्टिविटी अच्छी गई होगी। जब ये एक्टिविटी हमारे साइंटिस्ट ने की, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, एंड आई होप आप सब लोगों ने भी यही ऑब्जर्व किया होगा। उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स लाइक कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड गैलियम, इन सब के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इनको उठा करके एक ग्रुप में रख दिया, लेट अस सी ग्रुप वन। इसके बाद उन्होंने देखा कि आयोडीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं मगर ग्रुप वन से अलग है, तो इसीलिए उनको उठा करके ग्रुप टू में रख दिया। अब मगर उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स लाइक मर्क्यूरी, सोडियम, पोटाशियम, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ग्रुप वन की, कुछ दिखाते हैं ग्रुप टू की, तो कन्फ्यूजन हो गया कि इनको कौन से ग्रुप में रखें। तो फिर हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज देखी मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, जो सिर्फ देख कर, टच करके, एक्सेट्रा करके ऑब्जर्व की जा सकती हैं, वही बेसिस नहीं हो सकता है ग्रुपिंग करने का। हमको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि हमारे एलिमेंट्स और डिफरेंट चीज़ों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो भी स्टडी करनी होंगी। और उन स्टडीज करने के बेसिस पे हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि मर्क्यूरी, सोडियम और पोटाशियम आते हैं ग्रुप वन में, जबकि डायमंड और ग्रेफाइट आएंगे ग्रुप टू में। तो इसीलिए अब हमने हमारे एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटल्स, वाइल ग्रुप टू एलिमेंट्स को कहा जाता है नॉन मेटल्स। तो अब अगर तो आप देखें कि आपकी ग्रुपिंग के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूजुअली हार्ड, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एलुमिनियम एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड, नॉन मेटल्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो यूजुअली सॉफ्ट होते हैं और दे डू नॉट शो मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरिटी, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन। तो ये थे हमारे दो ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। अब मगर इसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आधी दिखाते थे मेटल्स की और आधी दिखाते थे नॉन मेटल्स की। तो अब जब वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों की दिखा रहे हैं, तो हमारे साइंटिस्ट को और कन्फ्यूजन हो गया, और इसके लिए उन्होंने एक थर्ड ग्रुप बनाया जिसमें सभी ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए जो कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो और इन ग्रुप को उन्होंने कहा मेटलॉइड्स, और मेटेलॉइड्स का एग्जाम्पल हो सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम और आर्सेनिक।
ऑल्सो प्लीज यहाँ पे नोट करें कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखाते हैं। हाउएवर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मतलब कि कोई मेटल हो सकता है जो एक प्रॉपर्टी दिखाता है नॉन मेटल की, बट स्टिल हम उसको मेटल ही बोलते हैं।